So let's pamper our skin to look beautiful on this Eid. Assalamualaikum friends, welcome to my channel Zeenat Sazon. As we all know that Eid is around the corner, और Eid पर दूसरी activities करने के साथ साथ हर girls को खूबसूरत भी देखना होता है और उसके लिए सैलून की जो सर्विसेज होती हैं वो तो कंपल्सरी होती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी स्किन की घर पर भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ताकि हम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग सकें। सो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऑर्गेनिक फेस पॉलिश शेयर करूँगी और वो पॉलिश जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे और उसका अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, इस ऑर्गेनिक फेस पॉलिश का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है रेड लेंटिल्स, जिसको हम मसूर की दाल भी बोलते हैं, और इसका हमें पाउडर चाहिए। और ये हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को बहुत अमेजिंगली रिमूव करता है और आप इसको एक्सफोलिएटर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इन्ग्रीडियंट यू गाइस कैन सी इज बेसन, इट्स ग्राम फ्लोर, जो कि एंशियंट टाइम से ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश है। और आपकी स्किन पर अगर एक्ने वगैरह बनते हैं तो आप बेसन के साथ फेस वॉश कर सकते हैं थोड़ा सा टर्मेरिक यूज़ करते हुए। ओके जी, थर्ड इन्ग्रीडियंट यू गाइस कैन सी इज़ योगर्ट, दही। और ये दही जो है आपने डेयरी शॉप्स वाला यूज़ करना है, डब्बे वाला पैक्ड वाला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। दही हमारी स्किन से डिसकलरेशन को रिमूव करेगा, डार्कनेस को ख़त्म करेगा और हमारी स्किन टोन को लाइटर बनाएगा, ठीक है। फोर्थ इन्ग्रीडियंट इज़ लेमन जूस, और लेमन जूस में हम सब जानते हैं विटामिन सी होता है, और विटामिन सी भी हमारी स्किन को लाइटर बनाता है, डार्कनेस को बहुत अमेजिंगली रिमूव करता है। इसके अलावा लेमन जूस कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा और एक्ने स्कार्स और ब्लेमिशेस को भी रिमूव करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिफ्थ इन्ग्रीडियंट इज़ रॉ मिल्क, और बॉयल मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं, रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और मिल्क में भी हम सब जानते हैं कि इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारी स्किन को नेचुरली ब्राइटर और फेयरर बनाने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है। और मिल्क को आप एज क्लिनजर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो फिर आप इसको एज क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं। वेल, ऑयली स्किन वाले भी इसको एज क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो स्किम्ड मिल्क यूज़ करें, ठीक है। और इससे आप रेगुलर जब आप इसको एज क्लिनजर यूज़ करेंगे डेली रात में अपना सीटीएम करते हुए, तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको खुद डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन एक्चुअली ब्राइटर हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से हमने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हुआ है और ये एक ऑर्गेनिक वंडरफुल सा ऑर्गेनिक फेस पॉलिश जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना फेस अच्छी तरह से वॉश करना है, एक क्लिनजर वगैरह के साथ अच्छी तरह से अपने फेस को क्लिनज कर लें। जब आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाए तो फिर आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रश, और किसी भी तरह से जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वंस अगेन आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि जब हम इस तरह के फेस पैक्स या इस तरह स्किन पॉलिश वगैरह जो ऑर्गेनिक और नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको जब हमने अपने फेस पर अप्लाई करना होता है तो उससे पहले हमने पैच टेस्ट ज़रूर करना होता है, बिकॉज समटाइम्स तो हम इस बात से अवेयर होते हैं कि हम इस इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं या हमें इस इंग्रेडिएंट से हमारी स्किन पर रिएक्शन हो जाता है, लेकिन समटाइम्स हम नहीं भी अवेयर होते हैं। तो इसलिए पैच टेस्ट से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपने ये इंग्रेडिएंट स्किप करना है या नहीं करना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स में से जिस इंग्रेडिएंट पे भी आपको लगे कि आपको सूटेबल नहीं है आप उसको स्किप कर दें, ठीक है। वेल, इस पॉलिश को भी हमारी कार पोर्च में, हमारे गैरेज में इस नॉइसी, बिकॉज अभी हमारे कॉर्ड्स आ गए हैं एंड दे आर मेकिंग नॉइस। आप इनके साथ फन टाइम हुआ करेगा। वेल, नॉइस की वजह से अब मुझे जल्दी जल्दी से इसको वाइंड अप करना होगा वीडियो को। वेल, आपने इसको 20 से 25 मिनट्स तक के लिए अप्लाई करके रखना है और उसके बाद आपने अपने फिंगर्स के साथ हल्का सा एक्सफोलिएट भी करना है, थोड़ा सा मसाज भी करना है, और उसके बाद आपने इसको प्लेन वाटर के साथ वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद कोई अच्छा सा टोनर ज़रूर चूज़ कर लें। ये पॉलिश जो है वो मैंने खुद यूज़ किया है, ये स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है और ये सारी स्किन टाइप के लिए बहुत 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 सूटेबल है, लेकिन फिर वही बात, पैच टेस्ट इज़ मस्ट। सो आप भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर 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 बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।